हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फन विचर्स का। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ फिंगर चिकन। सो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन। मैंने 1 kg ब्रेस्ट लिया। अब इसको काटने का तरीका मैं इसके ऊपर सारा कुछ दिखा रही हूँ आपको कि आपने किस टेक्निक के साथ इसको काटना है। उसके बाद आपने इसको करना है टेंडराइज। अगर आपके पास टेंडराइज़र है तो ठीक है, नहीं है तो इट्स ओके, उसके बगैर भी काम किया जा सकता है। टेंडराइज़र करने के बाद आपने इसको स्ट्रिप्स में काटना है, लेकिन ये बात का ध्यान रखिएगा कि ना बहुत ज़्यादा पतली हो ना बहुत ज़्यादा मोटी हो, क्योंकि जब आप बाइट लेंगे तो आपको फील होना चाहिए कि आपके जो बाइट में चिकन लाजमी है। अब हम करेंगे इसकी मैरिनेशन रेडी। इसके लिए हमें चाहिए 1/2 कप दही, 1 टेबल स्पून टिक्का मसाला, 1 teaspoon जिंजर पाउडर, 1 teaspoon गार्लिक पाउडर, सॉल्ट टू टेस्ट, पेपरिका पाउडर 1 टेबल स्पून, पेरी पेरी पाउडर 1 टेबल स्पून, दादर लाल मिर्च 1 teaspoon, सोया सॉस 1 टेबल स्पून, विनीगर 1 टेबल स्पून, चिली सॉस 1 टेबल स्पून। अब हम इसको करेंगे अच्छी तरह से मिक्स। मैरिनेशन रेडी करने के बाद इसमें हम डालेंगे अपने चिकन स्ट्रिप्स, और चिकन स्ट्रिप्स डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से करेंगे मिक्स और इसको रखेंगे 15 मिनट। और अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको 4-5 घंटे आराम से छोड़ दीजिएगा। अब इसके साथ करेंगे एक डिप तैयार, जिसके लिए हमें चाहिए 1/2 कप मायोनीज, जो कि होनी चाहिए क्लासिक यानी कि टेस्टलेस। आप इसमें फ्लेवर्ड मायोनीज यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो फिर आपका जो एक बेसिक सॉस है या डिप है वो ख़राब हो जाएगी। इसमें जाएगा 1.5 टेबल स्पून हॉट सॉस। वन टीस्पून चिली सॉस, 1/2 लाल मिर्च जो है वो जाएगी इसमें 1 teaspoon, काली मिर्च 1 teaspoon, सॉल्ट इसमें जाएगा टू टेस्ट, जितना आपको रिक्वायर्ड है आप इसमें ऐड कर सकते हैं। कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जितना मैंने ऐड किया उतना आप ऐड करो, जितना आपको चाहिए आप उतना ऐड करो। उसके बाद इसमें पेपरिका पाउडर जाएगा आपके टेस्ट के हिसाब से, जितना आपको चाहिए जितना आपको पसंद है, क्योंकि ये बिल्कुल टेस्टलेस होता है, इसमें कोई टेस्ट नहीं होता, ये जस्ट एक कलर और अच्छा सा फ्लेवर दे देता है। उसके बाद इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून ऑरिगेनो, ज़्यादा मत डालिएगा ख़राब हो जाएगा। उसके बाद इसमें जाएगा पेरी पेरी पाउडर 1 teaspoon, ऑप्शनल है लेकिन बहुत मज़े की डिप बनेगी अगर आप सब कुछ ऐड करेंगे तो। उसके बाद इसमें जाएगा गार्लिक पाउडर 1 teaspoon, अच्छा यहाँ पे हमने करनी है इसकी अच्छी सी मिक्सिंग, कि सब कुछ एक जगह पे आ जाए, ये ना हो के अंदर लम्स बन जाएं या आपकी मायोनीज कहीं से मिक्स है कहीं से मिक्स नहीं है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अच्छी तरह इसको मिक्सिंग करिएगा, उसके बाद लाजमी एक दफ़ा टेस्ट कर लीजिएगा। अगर आपको कोई चीज़ कम लगे तो आप इसमें मज़ीद ऐड कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पे टेस्ट करने के बाद मुझे थोड़ा सा कम लगा था पेपरिका पाउडर और चिली सॉस, ठीक है, वो मैंने अपने हिसाब से ऐड किया। मैक्सिमम 1 teaspoon पेपरिका पाउडर और 1 teaspoon मैंने चिली सॉस मज़ीद ऐड किया इसमें, और अगर आप चाहें तो ऐड करें, नहीं तो एक दफ़ा टेस्ट लाजमी कर लीजिएगा। अगर आपको परफेक्ट लगती है तो कुछ भी एडिशनल चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं होगी इसमें। ये डिप लाजमी एक दफ़ा ट्राई करिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है, हर फ्राइड चीज़ के साथ, इवन चिप्स के साथ ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। डिप हमारी बिल्कुल रेडी है। अब हम चलते हैं कोटिंग की तरफ। कोटिंग के लिए हमें चाहिए 2 कप सफ़ेद आटा, उसमें हमें डालना है 1 टेबल स्पून पेपरिका पाउडर, 1 teaspoon ऑरिगेनो, 1 teaspoon गार्लिक पाउडर, 1 टेबल स्पून पेरी पेरी पाउडर और सॉल्ट टू टेस्ट। सॉल्ट ज़रा थोड़ा सा कम रखिएगा, क्योंकि
आप लोगों को पता है हमने मैरिनेशन में ऑलरेडी सॉल्ट ऐड किया हुआ है और जो डिप बनाई है उसमें भी सॉस है। अच्छा, अब इसको मिक्स करते हुए आपने क्या करना है, लम्ब्स का ध्यान रखना है कि लम्ब्स ना बने, अच्छी तरह से सारा कुछ मिक्स हो जाए। अब हम करेंगे इसकी कोटिंग। कोटिंग के लिए देखें, मैंने आपको टेक्निक्स दिखाने के लिए थोड़ा सा दूर किया हुआ था ताकि आपको प्रॉपर एक एक चीज़ नज़र आए। इसको प्रेस नहीं करना, बस लगाना नहीं है, पहले इसके ऊपर डालना है, फिर उसके बाद थोड़ा सा इसको दुबाना है मैदे के साथ ही। अच्छा, कई लोगों को जिंगर कोटिंग पसंद है, उसके लिए हमें कोल्ड वाटर चाहिए। एक दफ़ा ऐसे ही कोट करके हम ठंडे पानी में डालेंगे, फिर उसके बाद दोबारा इसमें कोट कर लेंगे। अब फ्राइंग के लिए हमें चाहिए इतना ऑयल के ये जो स्ट्रिप्स हैं हमारी ये अंदर डिप हो जाएं, ठीक है। ऑयल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा से मुराद ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा गर्म हो और बर्निंग स्टार्ट हो जाए, ऐसा नहीं, लेकिन अच्छा खासा गर्म होना चाहिए। और दूसरी बात, ये बनेगा हाई फ्लेम पे, लो फ्लेम पे नहीं बनेगा, मीडियम पे नहीं बनेगा, ये ख़राब हो जाएगा। इस वजह से आपको बता रही हूँ कि ये हमेशा हाई फ्लेम पे बनता है, ठीक है। हाई फ्लेम भी इतनी होनी चाहिए कि मीडियम से थोड़ी सी ज़्यादा, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ से कम, ठीक है। इतनी आपने हीट रखनी है इसकी, और इसका टेम्परेचर अभी जब हम इसके अंदर चिकन स्लाइस डालेंगे तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि इसका जो टेम्परेचर है वो कैसा होना चाहिए। अब ये अच्छा खासा गर्म हो चुका है, देखिए मैंने इसके अंदर डाला है, फ़ौरन बबल बनना स्टार्ट हो गए हैं। अब जैसे जैसे इसमें मैं स्ट्रिप्स ऐड करती जाऊंगी, घी जो है वो मज़ीद आपको पता लग जाएगा इसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए। बार बार हिलाइएगा मत, बस ठीक है, एक दो दफ़ा इसको पहले अच्छी तरह पकने दें, फिर बाद में हिलाएं। डालते साथ ही मत हिलाइएगा इसको, क्योंकि इसकी शेप ख़राब हो जाएगी नीचे। चिकन फिंगर हमारे रेडी हो चुके हैं, प्रेजेंटेशन आपके ऊपर है आप कैसे करेंगे, और आई होप आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी, मस्ट ट्राई। चैनल को सब्सक्राइब करें, द बेल आइकन, थैंक यू।